हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक हियर विद अनदर रेसिपी जो है टेस्टी यम्मी और बहुत ही इजी वे में बनने वाला थ्रेड चिकन की रेसिपी। जी हाँ, रमज़ान स्पेशल थ्रेड चिकन बनाएंगे आज, तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ली हूँ 500 ग्राम्स। चिकन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। सॉल्ट ऐड करेंगे और विनेगर ऐड करेंगे। क्वांटिटी सारी स्क्रीन पे मेंशन की हुई है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, तंदूरी मसाला, फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं करना तो स्किप कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने देंगे। थर्टी मिनट्स बाद मेरा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया था। अब मैं ये स्टिक्स ली हूँ, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आप लोग कर सकते हो, या फिर लोकल मार्केट में भी मिलते हैं ये। इसको यूज़ करने से पहले 30 मिनट्स के लिए सोक करेंगे पानी में, उसके बाद ही यूज़ करना है। इसको अच्छे से स्टिक्स पे लगा देंगे चिकन। यहाँ पे मैंने दो एग को बीट करके रखी थी सॉल्ट ऐड करके, और जो ये थ्रेड बना के रखी हूँ मैं, समोसा पट्टी ली थी उसको लंबाई में कट करके, और फिर उसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके टॉस कर ली थी, तो उससे ये थ्रेड बन गए थे। अब मैं इसको चिकन पे ऐसे लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। सेम प्रोसेस सारे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल ली हूँ, ऑयल ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, और जब आप ये फ्राई कर रहे हो तो फ्लेम आपका लो टू मीडियम होना चाहिए। लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक चिकन अंदर से पूरा गल नहीं जाता और ऊपर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक 5 to 7 मिनट्स लगेंगे इसको फ्राई होने के लिए। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए, मैं सारे ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, और अब प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। तो आप लोग कोई भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हो। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा थ्रेड चिकन। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।